आज आंतर्जातिक योग दिवस এই যোগ দিবসে নিউইয়র্ক থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, যোগ একটি ধারণা ছিল যা আজ সারা বিশ্ব গ্রহণ করেছে। আমাদের আদর্শ, দর্শন বা ভারতের দৃষ্টি হোক না কেন, আমরা সর্বদা সংযোগ গ্রহণ করার ঐতিহ্যকে লালন করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যোগ ব্যায়ামে বলা হয়েছে কর্মের দক্ষতাই যোগ ব্যায়াম। এই মন্ত্রটি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বিকেল 5:30টায় রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত যোগ ব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। ভারতের আবেদনে 180টিরও বেশি দেশ একত্রিত হচ্ছে, তা ঐতিহাসিক। সেই দেশবাসীয়ক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস কি বহুত বহুত শুভকামনায়। হর বর্ষ योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद् इति योगः। अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है।